अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और अभी अभी तरावी पढ़ के निकल रहा हूँ मैं मस्जिद नबवी से, और आज का तजर्बा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। شوق لقرب المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت إلى المصطفى تاقت إلى المصطفى موعد للقاء من هنا أشرقا والدرب زان مع القرآن ارتقى شأننا في المعالي ارتقى نبراسنا في العلا عنوان الحمد لله مسجد النبوي میں انٹر ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں اندر مسجد النبوی میں۔ یا سلام سبحان اللہ، ابھی اذان ہوگی دیکھنا۔ ये सब के लिए पानी रखा गया है यहाँ पे, एक जमजम और दूसरा ऐसे याम कंपनी का। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में, और इंशाल्लाह आपको मनाज़िर दिखाएंगे। रश नहीं है इतना ज़्यादा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, थोड़े लोग हैं लेकिन बड़ा ही सुकून का माहौल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, खूबसूरत हरम अल्लाह के नबी का, पुरसुकून जगह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़ ली है और अभी बाहर जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली तरावी मस्जिद नबवी में मिल गई है। इतना ज़्यादा रश नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरफ रश नहीं है और इस तरफ रश था देख रहे हैं, तो
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 तरावी की रकातें पड़ी हैं और 3 वितर, टोटल 13 रकातें पड़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिद नबी से बाहर आ गए हैं और ये देखें रोज़ा शरीफ इस तरफ है हमारे, और अभी जा रहे हैं वापस अपने होटल। और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन का, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया तरावी पढ़ने का, क्योंकि पिछले साल हम लोग हरमेन में तरावी नहीं पढ़ पाए थे तो इस साल पढ़े, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हम लोग असर के बाद दाखिल हुए थे मस्जिद नबी में और हमें ख़तरा था कि शायद मस्जिद नबी फुल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मस्जिद नबी फुल नहीं हुई। और मगरिब के बाद, मगरिब के टाइम तो काफ़ी कम रश था, फिर ईशा के टाइम, फिर ईशा की अज़ान हो गई तो ईशा के टाइम फिर थोड़ा सा और ज़्यादा लोग आ गए, लेकिन वो वाला जो रश था जिसकी हमें, जिसका ख़तरा था कि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, वो वाला रश नहीं है। देख लें आपको वैसे ही नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मेरे पीछे, अभी बिल्कुल अभी अभी निकले हैं हम तरावी पढ़ के। तो ईशा की नमाज और ईशा की जमात के दरमियान में तकरीबन 5 मिनट का फासला भी नहीं होगा, बहुत जल्दी अज़ान हुई, फौरन जमात और फिर फौरन ही तरावी शुरू हो गई। मज़ीद अगर आप मदीना की वीडियोस देखना चाहते हैं, ज़ियारतें वगैरह, मदीना के खाने वगैरह, तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर भी कर दें और अल्लाह हाफिज़।